दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और इस सुबह की दो बड़ी खबरें, दो बड़े अपडेट चिकित्सा विभाग के लाखों अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती का विज्ञापन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया गया है। बहुत बड़ी अपडेट है सुबह सुबह की। और इस अपडेट के तहत दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट दो भर्तियाँ एक साथ यहाँ पर सिफू ने रिलीज की हैं। तो पूरी खबर आपको देने वाले हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बताएं दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर के पदों की संख्या 7020, ठीक है, ये 7020 क्यों है ये भी बताने वाले हैं। साथ ही फार्मासिस्ट के पदों की जो संख्या है वो आप लोगों की 2859, ठीक है, यानी कि ये 2859 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती है और 7020 पदों पर आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर की यानी कि एनओ की भर्ती है। पूरी खबर क्या है, आवेदन कब से भरे जाएंगे वो भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन की PDF शॉर्ट नोटिफिकेशन या तमाम जो अपडेट्स हैं उनको पाने के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, हमारे तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन पर आप लोग लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, सबसे पहले फार्मासिस्ट, ये राज्य परिवार कल्याण संस्थान सिफू, तो फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति, ये संक्षिप्त नोटिफिकेशन है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है। और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं राजस्थान चिकित्सा अधिनियम 1965। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट के पदों की जो संख्या है साथियों 2859, ठीक है, ये रखी गई है। उक्त पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए सिफू विभाग स्वतंत्र होगा। और दोस्तों इसके जो फार्म है 5 मई से भरे जाएंगे, ठीक है, फार्मासिस्ट भर्ती के जो फॉर्म हैं वो 5 मई से भरे जाएंगे, ठीक है, अगले कुछ दिन के बाद जो है 5 मई से लेके और 4/6/2023 मध्य रात्रि तक ये इनके फॉर्म हैं वो भरे जाने हैं, ये अपडेट है। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञप्ति का अध्ययन आप लोगों को करना होगा और उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी, डिटेल नोटिफिकेशन होगा और उसके अनुसार ही आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कितने पद हैं, ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर संक्षिप्त विज्ञप्ति, ठीक है, इसमें पदों की जो संख्या है 7020, ठीक है, और इन पदों में भी कमी या वृद्धि की जा सकती है, ठीक है, और इसके फॉर्म भी आप लोगों के 5/5/2023 से 4/6/2023 तक, यानी कि 1 महीने का टाइम दिया गया है, 5 मई से और 4 जून ये लास्ट डेट है, 4 जून फार्मासिस्ट की भी लास्ट डेट है और 4 जून यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की भी लास्ट डेट है। आप लोग देख सकते हैं 1 महीना फॉर्म में आवेदन करने के लिए दिया गया है और ये विस्तृत जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये 7020 इसमें क्यों हुए हैं, ठीक है, ये 7860 बता रहे थे आप। तो दोस्तों इसमें ऐसा हो सकता है कि जो TSP है उनको अलॉटेड किए गए हों, लेकिन TSP और नॉन TSP का विज्ञापन अगर अलग अलग आता है तब तो सही बात है, अन्यथा ये इन्होंने पदों को थोड़ा कम किया है और 7020 पर ये विज्ञप्ति जारी कर दिया, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। कुछ भी ऑफिशियल या कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण 7020 पर मैं कमिट कम ही करूँगा, एक आकलन बता रहा हूँ कि किस तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि TSP की विज्ञप्ति अलग से जारी हो तो उसमें कुछ पद दे दिए जाएँ, या फिर विभाग की मंशा यही है कि उन्होंने 7860 की जो मंजूरी मिली थी उन पदों को कम करके और 7020 पर यह विज्ञप्ति जारी कर दी है। ये जो जानकारी है आपको आज शाम तक पता करके जो भी है किस तरीके से किए गए हैं 7860 को इनको 7020 या फिर TSP को दिए गए हैं क्या 840 पद, तो उसके बाद पता चल जाएगा साथियों, ठीक है। फिलहाल आप लोग देखें आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 5 मई है, लास्ट डेट है 4 जून, ठीक है, ये जानकारी है आप सभी के लिए। डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप तक जरूर जानकारी पहुंचाएंगे। तमाम भर्ती अपडेट्स के लिए जुड़े रहे RNS एजुकेशन न्यूज
यूट्यूब चैनल के साथ साथ ही हमारे टेलीग्राम जो नर्सिंग का है, पैरामेडिकल का है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट वहाँ भी मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।